नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ ज्योति सिन्हा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, तो आइए देखिए। ये देखिए बैगन है, जैसे बैगन का भरता बना रही हूँ, तो इस तरह का लेना चाहिए कि जिसमें बिल्कुल भी छेद ना हो कहीं से, और बिल्कुल हल्का होना चाहिए वेट में। इस तरह का हमें लेना चाहिए भरता बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसे मैं चक्कू से, डिश से कहीं कहीं पे चीरा लगा देती हूँ। तो इसे इस तरह से हम लगा लेते हैं। और इस तरह से देख लेते हैं कि कहीं पे, ये देखिए कोई कुछ भी नहीं है गंदगी, जैसे कीड़े वगैरह देख लें। इस तरह से काटने के बाद बिल्कुल नहीं है। चलिए इसमें हम डाल देते हैं पहले, सबसे पहले इसके ऊपर, क्योंकि इसके छिलके हटने चाहिए। जब पकने के बाद बहुत आसानी से हट जाते हैं, तो इसके लिए मैं इस पे लगा देते हैं सरसों का तेल। इस तरह से सभी जगह लगा लें। और इसमें ये लहसुन को 5-6 कलियों को आप डाल दें छिलके, तो मैं डाल रही हूं। ये देखिए इसमें बीच में इस तरह से, दूसरे जगह भी डाल लेते हैं। इस तरह से डाल दें और मिर्च को भी डाल दें इसमें। अब गैस को जलाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं चलिए पकने के लिए बैगन को। और ये देखिए मीडियम रखते हैं गैस को, और धीमी आंचों पे पकाएं तो ज्यादा अच्छे बनेंगे। चलिए पकने देते हैं। ये देखिए इसे पलट पलट के अच्छी तरह से पका लें हर तरफ से। ये देखिए हर तरफ से पलट के पका दिए हैं, और ये पक चुका है। इसे देखने के लिए आप इसमें बिल्कुल डालेंगे, इसे हल्के से चक्कू को डालेंगे जहां पे नहीं कटा हुआ है उस जगह पे। ये देखिए आराम से चला गया, तो अंदर तक पक चुका है। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ, गैस को बंद कर देते हैं। और इसके छिलके को उतार लेते, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ी ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इसे इस तरह से सभी को छील लेते हैं। देखिए आराम से कितना निकल रहा है, छिल चुके हैं। अब इसमें इसे मैं दूसरे बर्तन में कर लेती हूँ ट्रांसफर। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ी पहले भी मिर्च थी तो थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, और थोड़ी सी धनिया डालेंगे, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो मिर्च को पकाए थे, ये भी मिर्च भी निकालिए। ज्यादा तीखा अगर नहीं करने तो इसे आप हटा सकते हैं। और चलिए मैं तो डाल देती हूँ, क्योंकि बड़े लोग खा रहे हैं, बच्चे तो खाने को तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए इसे, टेस्टी बहुत लगते हैं। एक बार ये इस तरह से भरता बनाए और देखें। थोड़ी सी इसमें सरसों की तेल डाल दें, और इसे डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। बन चुका है, अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। देखिए कितना टेस्टी, इसकी एक सोनापन की अलग सी खुशबू आ रही है। तो चलिए ये हमारा बैगन का भरता तैयार है, आप इसे खा सकते हैं। रोटी के साथ खाइए, जिसके साथ भी आपको मन करे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।